गुजरात समेत मुल्क भर में आज तहरीक के लबैक की जानिब से ख़ास तौर पर शटरडोर हड़ताल का कॉल दी गई थी, मगर हैरान कन बात यह है कि आज गुजरात की ताजर बरदरी ने मजमुई तौर पर इस कॉल को मुस्तद किया है और कहीं भी ना ही शटर डोर नज़र आया ना ही पहिया जाम। हमारे साथ अंजमन ताजरान तिम्बल बाजार के रहनमा उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी भट्ट साहब, आज जो ये कॉल दी गई थी, पहले तो इस कॉल के हवाले से थोड़ी तफसील भी बताइएगा कि आज इसे यकसर मुस्तद कर दिया गया है, क्या ये मजमुई तौर पर आपकी तमाम जो ताजर तंजीमें थी उनकी जानिब से मुश्तरका और मुत्तफिका फैसला किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जितनी भी हम ताजर तंजीमें हैं, ये मुत्तफिका फैसला था कि हम किसी भी सियासी जमात, तरीके लबैक कभी मजहबी जमात नहीं है, ये सियासी जमात है। किसी भी सियासी जमात जो अपना एजेंडा लेके निकले हैं, जो बगैर मशावरत के किसी ताजर लीडर जो सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो तंजीमें बनी हुई हैं, इनके साथ कोई भी इनका बंदा आके ना किसी ने मशावरत की है ना इनको मिला है, हर चीज़ का एक तरीकाकार है। तरीकाकार के साथ आप चलेंगे तो वो चीज़ आपकी कामयाबी की तरफ रवाना। अच्छा, जिस तरह आप सर कह रहे हैं कि चिंची रक्षों पर सिर्फ ऐलान करके ये समझते थे कि या पंफलेट छपवा कर जगह जगह के दुकानें आप लोग बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, दुकानें बंद करने से नुकसान किसका है? ताजर बरादरी का, और फ़ायदा किसको हो रहा है? तरीके लबैक को, मौलवी हजरात को। हम जनाब वो हतमो दरूदों पे जाके, हमने तो हलवे खाने नहीं है, ना बिरयानियाँ खानी है, ना छोटे गोश्त खाने हैं, हमने इधर से रिजक कमाना है और रिजक कमा के अपने बच्चों को जाके खिलाना है। और हम किसी भी ऐसी तंजीम और किसी भी ऐसी सियासी जमात के कहने पे कभी भी अपना कारोबार बंद नहीं करेंगे। अच्छा, आज हमने देखा कि DPO गिरा सैयद असद मुजफ्फर की हिदायत पर रेड अलर्ट भी है, पुलिस जगह जगह नाके लगाए हुए, क्या इस बात का कोई खदशा मौजूद है कि तहरीक लबैक कोई एहतजाजी रैली निकालते हुए ज़बरदस्ती अगर दुकानें बंद करवाती है तो ताजर क्या रास्ते इकदाम उठाएंगे फिर? 100% इस बात की इंफॉर्मेशन थी हमारे पास कि कल आपकी दुकानें जो हैं, कारोबारी मराकज़ जो है, इसको ज़बरदस्ती बंद करवाने की भी कोशिश की जा सकती है। मौलवी हजरात रैली की शक्ल में आएंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप अपने अपने बाज़ार, अपनी दुकानें बंद करें। मैं DC साहब का इस इकदाम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि हर चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात है, वो हमारी हिफाजत के लिए तैनात है। अगर कोई इस तरह का मामला होगा तो कानूनी इदारे हरकत में आएंगे और वो अपना काम करेंगे। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।